अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास, आज हम स्टार्ट करेंगे अवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज लेंसेज। ठीक है, सबसे पहले जो है वो हम लेंसेज की डेफिनेशन पढ़ेंगे। लेंसेज की डेफिनेशन ये है, एनी ट्रांसपेरेंट मटेरियल, कोई भी शफाफ मटेरियल हैविंग टू सर्फेसिस, जिसकी दो सर्फेसिस होती हैं ऑफ एटलीस्ट वन इज कर्व, जिसमें से एक जो है वो क्या होती है, वो कर्व में होती है। उसमें इस तरह से कर्व होती है कि लाइट वेव्स जो है वो क्या हो जाए, वो रिफ्लेक्ट हो जाए, डिफ्रैक्ट हो जाए, और इस तरह से हो कि आप लोग को किसी भी ऑब्जेक्ट का जो साइज है, जो उसका इमेज है, वो आपको फॉर्मेशन, उसकी फॉर्मेशन आप लोग को जो है वो आसानी से मिल जाए। हमने इसमें क्या पढ़ना है कि कोई भी एक ऐसा मटीरियल जो कि शफाफ हो और इसकी दो सर्फेस हो, इसकी दोनों, इसमें से दोनों सर्फेस, इसमें से एक सर्फेस क्या हो, वो कर्व हो, और लाइट रेज उसमें से इस तरह से रिफ्लेक्ट करें कि इमेज जो है वो हमें किसी भी ऑब्जेक्ट का मिल जाए। अब क्लास हमने जब मिरर की बात की थी, तो मिरर में जब हमने मिरर की बात की थी तो मिरर में हमने रिफ्लेक्शन का फिनोमेना पढ़ा था, और लेंसेज में हमने क्या पढ़ा है, हमने रिफ्रैक्शन का फिनोमेना पढ़ा। सो लेंसेज में हमेशा जो है वो रिफ्रैक्शन होती है, और जो उसके बाद लेंसेज में रिफ्रैक्शन होती है और मिरर में जो है वो रिफ्लेक्शन होती है। सो अब क्लास यहाँ से आप लोग लेंसेज को आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, ये जो ये वाला लेंस जो है वो ये दरमियान से जो है वो थिक है, और साइडें जो है वो इसकी क्या होती हैं, वो पतली होती हैं। द लेंस विच इज थिक एट द सेंटर, जो दरमियान से जो है वो थिक हो, मोटे हो और साइडों से पतले हो, उसे हम कहते हैं कि ये कौन से लेंस है, ये कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस का दूसरा नाम जो है वो कन्वर्जिंग लेंस भी है। ये मिरर से जो है वो उल्ट होते हैं, जैसे मिरर में हमने बात की थी, तो कनकेव मिरर में हमने बात की थी, कनकेव मिरर जो है वो कन्वर्जिंग लेंस होते हैं, कन्वर्जिंग मिरर्स होते हैं। लेकिन ये वाले लेंस जो है, ये वाला जो लेंस है, ये वाला जो है दरमियान से मोटा होगा, साइडों से पतला होगा, सो ये कॉन्वेक्स है। और दूसरा वाला जो मिरर है, ये देखें यहाँ पे, ये इसकी दरमियान से ये थिन है, पतला है, और साइडें इसकी जो है, जो इसके एजेस हैं वो क्या होते हैं, वो मोटे होते हैं। सो ये वाला लेंस जो है वो क्या होगा, ये कनकेव लेंस होगा। ये साइडें इसकी जो है, इसके एजेस जो है वो मोटे होंगे, थिक होंगे, उस दरमियान वाला इसका जो पोर्शन होगा वो क्या होगा, वो थिन होगा। सो ये जो है वो कनकेव है लेंस, और ये वाला जो था, ये आपका जो था कन्वेक्स लेंस। नेक्स्ट जो है वो इसके यूजेस हैं। सबसे पहले लेंसेज के यूज क्या है, कि कैमरास में यूज हो रहा है, आई ग्लासेस में यूज हो रहा है, माइक्रोस्कोप में, टेलीस्कोप में, इन तमाम जगहों पे जो है वो लेंसेज का इस्तेमाल है। इसके बाद टाइप्स ऑफ लेंसेज में कॉन्वेक्स लेंस क्या होते हैं, ऐसे लेंस जो कि थिक होते हैं एट द सेंटर, सेंटर से थिक होते हैं, और एजेस से क्या होते हैं, ये थिन होते हैं। कनकेव लेंस है, कनकेव लेंस जो है इसको हम, इसका दूसरा नाम जो है वो डाइवर्जिंग लेंस भी है, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये तमाम रेज ऑफ लाइट को जो है, जिसमें रिफ्रैक्शन का फिनोमेना होता है, उन तमाम रेज को क्या कर देते हैं, ये डाइवर्ज कर देते हैं, तो ये सेंटर से क्या होते हैं, ये थिन होते हैं, और इसके एजेस से क्या होते हैं, ये थिक होते हैं। अब इसके अगर डायग्राम देखें तो कॉन्वेक्स लेंस की जो डायग्राम होती है वो इस फॉर्म में होती है, और कनकेव लेंस की डायग्राम जो है वो इस शक्ल में होती है। और इसी तरह जैसे हमने मिरर में बात की थी कि मिरर जो है वो हम लोग कहाँ से ऑब्टेन करते थे, किसी भी होलोस्फीयर से, किसी एक होलोस्फीयर से हमने मिरर्स को लिया था ना, कि ये कनकेव मिरर है या कॉन्वेक्स मिरर है। तो इसी तरह जो लेंसेज होते हैं वो भी हम लोग कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, किसी भी होलोस्फीयर से ऑब्टेन करते हैं, लेकिन इसमें जो है वो हम दो स्फीयर्स लेते हैं। ठीक है, दो स्फीयर से जो है वो, क्योंकि इसकी डायग्राम उसमें एक ही फॉर्म में था मिरर, ठीक है, अब इसमें जो है इसके दो साइड्स हैं, सो इसको जो है वो हम लोगों को इसकी कितनी रिक्वायरमेंट होगी, हमें दो स्फीयर्स की रिक्वायरमेंट होगी, हम दो स्फीयर्स लेंगे, उन दो स्फीयर से जो है वो हम लोग मिरर का अपना डिजायर्ड पोर्शन जो है वहाँ से कट ऑफ कर लेंगे। जैसे यहाँ पे ये मैंने डायग्राम भी बनाई है, ये दो स्फीयर है, ठीक है, और हमने जो है वो साइड से जो है वो इसका पार्ट जो है वो दरमियान से इसका पार्ट जो है वो क्या कर लिया है, कट ऑफ कर लिया, और यहाँ से जो है वो हमने अपने कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस अपने यहाँ से जो है वो बनाए। डिफरेंस क्या है कि हमने मिरर में क्या पढ़ा था कि कौन सा फिनोमेना होता है, रिफ्लेक्शन का, और लेंस में कौन सा फिनोमेना होता है, रिफ्रैक्शन का। उसमें हमने एक होलोस्फीयर यूज किया है, और इसमें हमने जो है वो दो होलोस्फीयर से जो है वो अपना डिजायर्ड पोर्शन जो है वो कट ऑफ किया है। अब अगर हम नेक्स्ट मूव करते हैं इसकी टर्मिनोलॉजीज की जाने, इसकी चार टर्मिनोलॉजीज हम पढ़ेंगे, जिस तरह हमने मिरर की टर्मिनोलॉजीज पढ़ी थी, इसी तरह लेंसेज की भी टर्मिनोलॉजीज हैं। फर्स्ट वन इज प्रिंसिपल एक्सिस, सेकेंड वन हम पढ़ेंगे ऑप्टिकल सेंटर के बारे में, एंड थर्ड वन प्रिंसिपल फोकस, एंड द फोर्थ वन इज फोकल लेंथ। नेक्स्ट जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस है, इसकी फर्स्ट टर्मिनोलॉजी। इसमें हमने क्या किया है, इसमें हमने दो स्फीयर्स लिए हैं, अब इन दोनों स्फीयर का कोई ना कोई जो है वो सेंटर पार्ट होगा, ठीक है, जिस तरह हमने मिरर में कहा था कोई भी होलो स्फीयर का कोई सेंटर पार्ट होता है ना, तो इसी तरह लेंसेज का भी क्या होगा, कोई ना कोई जो है वो सेंटर पार्ट होगा। उस सेंटर पार्ट को हमने जो है वो ऑप्टिकल सेंटर का इसमें नाम देना है। किसी भी लेंस का जो सेंटर पार्ट होता है, किसी भी स्फीयर का जो सेंटर पार्ट है, वो क्या कहलाएगा, वो ऑप्टिकल सेंटर कहलाएगा। और जो लाइन उसमें से पास आउट कर रही है,
द लाइन पासिंग टू सेंटर्स ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंस, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये स्फीयर के दो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, एक इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, एक इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, और जो लाइन पास करी है इन दोनों स्फीयर में से, जो दरमियान में से लाइन पास करी है, उसे हम क्या कहेंगे, ये इसका क्या है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। दोनों स्फीयर के सेंटर में से, सेंटर ऑफ कर्वेचर में से जो लाइन पास आउट करी है, अब ये वही लाइन पास आउट करी है, सो ये क्या कहलाएगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस कहलाएगा। और ये लाइन कहाँ से गुजरी है, ये दोनों जो है वो सेंटर में से, स्फीयर के सेंटर में से गुजरी है, कहाँ से, किसके सेंटर से, सेंटर ऑफ कर्वेचर के, किसके, स्फीयर के, ठीक है। अब आगे हम नेक्स्ट मूव करते हैं। अब नेक्स्ट इसकी टर्मिनोलॉजी है ऑप्टिकल सेंटर की। ऑप्टिकल सेंटर में ये होता है कि कोई भी जो हमने एक लेंस ले लिया, चाहे वो कन्वेक्स लेंस हो या चाहे वो कनकेव लेंस हो, अब इसका जो सेंटर पार्ट होगा, द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल फोकस एट द सेंटर ऑफ लेंस, वो पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस का, ये लाइन क्या कहलाती है, ये प्रिंसिपल एक्सिस की लाइन है, वो पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वो पॉइंट एट द सेंटर ऑफ लेंस, सेंटर ऑफ लेंस के, उसे हम क्या कहेंगे, वो ऑप्टिकल सेंटर है। सो ये वाला पार्ट जो है वो क्या है, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है, जो हमने मिरर में इसको क्या नाम दिया था, हमने इसका, हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर का नाम दिया था। सो इसमें जो है किसी भी लेंस का जो सेंटर होगा वो क्या कहलाएगा, वो ऑप्टिकल सेंटर कहलाएगा। नेक्स्ट जो है इसकी टर्मिनोलॉजी है वो है प्रिंसिपल फोकस की। अब प्रिंसिपल फोकस में क्या है कि अगर हम कॉन्वेक्स लेंस की बात करते हैं तो इसमें रेज ऑफ लाइट जो है वो क्या होती है, रिफ्रैक्ट होती हैं, रिफ्रैक्ट होने के बाद एक पॉइंट पर जाके मिल जाती हैं, उस पॉइंट को क्या बोला जाता है, फोकस पॉइंट, ठीक है। किसी भी लेंस का वो क्या कहलाएगा, वो फोकस पॉइंट कहलाएगा। हम कन्वेक्स लेंस की अगर हम बात करें तो इसमें लाइट रेज क्या हो जाती हैं, वो कन्वर्ज हो जाती हैं, वो आपस में मिल जाती हैं किसी एक पॉइंट पर, वो पॉइंट क्या कहलाता है, फोकस पॉइंट। सो इसमें जो है तमाम रेज ऑफ लाइट जो है वो एक पॉइंट पर जाकर कन्वर्ज हो गई हैं, उसे हमने नाम दे दिया फोकस पॉइंट का। उसके बाद अगर हम कनकेव लेंस की बात करें तो कनकेव लेंस में क्या होता है कि जब रेज ऑफ लाइट जो है वो रिफ्रैक्ट कर रही होती हैं तो वो क्या करती हैं, वो डाइवर्ट हो जाती हैं। सो हम वो भी जो है वो किसी एक पॉइंट पर ही जाके मिलती हैं, लेकिन और इसका इमेज फॉर्मेशन जो है वो कहाँ पे बनता है, बिहाइंड द लेंस बनता है, जब हम इसको एक्स्ट्रापोलेट करते हैं। तो इसमें जो है इमेज फॉर्मेशन, इसमें लाइट वेव्स क्या होती हैं, लाइट, तमाम लाइट वेव्स जो है वो डाइवर्ज करती हैं, मतलब वो बिखर जाती हैं, सो इन केस ऑफ कनकेव लेंस। सो कनकेव लेंस का दूसरा नाम क्या है, वो डाइवर्जिंग लेंस है, और कन्वेक्स लेंस का दूसरा नाम क्या है, वो कन्वर्जिंग लेंस है। उसके बाद हमारी लास्ट टर्मिनोलॉजी है फोकल लेंस। अब फोकल लेंस में क्या है, किसी भी लेंस का जो सेंटर पार्ट होगा वो क्या कहलाएगा, ऑप्टिकल सेंटर कहलाएगा, और जो लाइन इसके सेंटर से गुजरी होगी उसको हमने क्या नाम दिया था, प्रिंसिपल एक्सिस का नाम दिया था। अब जो इसका सेंटर पॉइंट है, दैट इज ऑप्टिकल सेंटर, इसके ऑप्टिकल सेंटर, द लाइन पासिंग फ्रॉम सी टू एफ, जो लाइन जो है वो पास अगर कर रही है सी से एफ के दरमियान, जो लाइन ज्वाइन हो रही है उसे हम क्या नाम देंगे, फोकल लेंथ का। सो लाइन पासिंग फ्रॉम सी टू ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ, वो लाइन जो प्रिंसिपल फोकस है और सेंटर ऑफ कर्वेचर या ऑप्टिकल सेंटर ऑफ कर्वेचर, हमने किस केस में पढ़ा था, मिरर के केस में, और लेंस में हमने क्या पढ़ा है, ये क्या है इसका, ये ऑप्टिकल सेंटर है, ठीक है। थोड़ा सा इसमें डिफरेंस आया सेंटर ऑफ कर्वेचर में और ऑप्टिकल सेंटर में। सो जो लाइन पास कर रही है इन दोनों में से, उसको हमने नाम दिया फोकल लेंथ का। सो आज के लेक्चर में क्लास हमने क्या पढ़ा है, लेंस के बारे में, ठीक है, लेंस की हमने डेफिनेशन पढ़ी है, और लेंस के हमने यूजेस पढ़े हैं, टाइप्स ऑफ लेंसेज पढ़ी हैं, और मेन टर्मिनोलॉजीज पढ़ी हैं लेंसेज की, टर्मिनोलॉजीज लेंसेज की क्या है, उसमें हमने प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर, प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंथ को जो है वो डिस्कस किया है।